हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम पढ़ेंगे कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, एंड देन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं जब कंबाइन हो जाते हैं तो। और इनके तीन टाइप के एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हैं जो कि अलग अलग इक्वेशंस पे बनाए जाते हैं, उसकी भी हम आज बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। सबसे पहले एडसॉर्प्शन देखते हैं क्या होता है। एडसॉर्प्शन ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा आपने, एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मतलब अगर कोई भी हमारा सॉलिड चीज़ है, मान लीजिए ये सॉलिड है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये इसकी सरफेस पे जाकर अटैच हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एडसॉर्प्शन। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। लेकिन इस बात में ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर बल्क में नहीं जाएंगी, वो अब्सॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसको हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन, ठीक। एडसॉर्प्शन ऑन द अटैचमेंट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन, ठीक है। एडसॉर्प्शन समझ लिया। आइसोथर्म क्या होता है, देखो आइसोथर्म क्या है, आइसो मीन्स सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, ठीक। तो आइसोथर्म हो गया एक कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और एडसॉर्प्शन का क्या खेल है भाई, खेल ये है कि मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास में अलग अलग प्रेशर है, तो जिस प्रेशर से ये इस पे सॉलिड के सरफेस पे अटैच होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या चीज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम किसकी बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैस एंड अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक। हम इसकी बात करें, जो एडसॉर्प्शन हमारा आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये एक दो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक तरफ हम प्रेशर को रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं अमाउंट ऑफ गैस जो कि स्टिक हुई है इस सरफेस ऑफ सॉलिड के, ठीक है। तो पूरा हमारा खेल यही है कि पूरा हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द गैस, कि वो एडसॉर्प्शन पे कैसे वो रिएक्ट करेगी, मतलब जब हम प्रेशर डालेंगे गैस के ऊपर वो कितना ज्यादा सरफेस एक्वायर करेगी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। हमारे पास में तीन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, कौन कौन से, फेनलिच, लैंगमुर एंड मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन, ठीक है। धीरे धीरे इन सब की बात करेंगे, बट बेसिक एक मैं आपको चीज बताना भूल गया कि मान लीजिए कि ये सॉलिड है एक और ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है। तो जिस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, जिस सरफेस पे अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे क्या, एडसॉर्बेंट, ठीक है। जिस सरफेस पे, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, किसकी सरफेस की बात कर रहा हूं, उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट। दूसरा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी चीजें जो इस पे जाके अटैच होंगी उसको हम बोलते हैं क्या, एडसॉर्बेट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसमें हम किसको याद रखें, मतलब एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट नाम तो पता होता है लेकिन वो क्या होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो बेसिकली बहुत ध्यान से इसमें देखिएगा कि जो चीजें इस पे जाके अटैच होती हैं उसको बोलेंगे हम क्या, एडसॉर्बेट, और जो चीजें इस सरफेस पे अटैच होंगी उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेंट, ठीक। जो चीजें बैठेंगी, बेट से बैठना याद कर लीजिए, बेट मतलब बैठना, जो चीजें बैठेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट, और जो
जिसके ऊपर बैठेंगी वो क्या है एडजॉर्बेंट। तो बैठने शब्द से याद रखिए कि बैठने से बेड से बैठना, तो बैठेगा भाई जो अटैच होगा, तो कौन से कौन बैठेगा, ये मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई, लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की। इसकी पहला हमारा है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस बेसिक से क्राइटेरिया, बेसिक चीजें वही हैं कि हमें इसमें क्या करना है। इन्होंने फ्रेंडलिच ने वही बताया कि हमारी एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन है जिससे हम पता लगाएंगे कि अलग अलग प्रेशर का, कि प्रेशर की गैसेस का एडसॉर्प्शन प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इनकी बेसिक सी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी एक्स बाय एम इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1/n। एक्स बाय एम इक्वल्स टू के टू द पावर पी 1/n। ठीक, जहां पे x जो है वो है वेट ऑफ गैस विद पर यूनिट एडसॉर्बेंट। मींस कि जो सरफेस लेयर है किसी भी सॉलिड की, उसके मुताबिक जो गैस वहां पे प्रेजेंट है उसका वेट यानी कि अमाउंट हम कह सकते हैं। के यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और एन भी हमारा कांस्टेंट है, और एक पी की बात, तो पी हमारा क्या है, प्रेशर। ठीक, तो इसके बेसिस के ऊपर पे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक आइसोथर्म का सीधी सी बात है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक एक कर्वी लीनियर ग्राफ बना था, कैसा कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, और किसके किसके बीच में, एक्स बाय एम और यहां पे पी के बीच में। तो सीधी सी बात है, उन्होंने बताया कि भैया हमने दो चीजें ली, एक्स बाय एम लिया जो कि वेट ऑफ गैस पर यूनिट एडसॉर्बेंट था, दूसरी चीज प्रेशर हमारा, जो प्रेशर का मतलब इसने सीधी सीधी बताया कि प्रेशर पे हमारा क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट पड़ा है एज कंपेयर्ड एज मतलब प्रेशर का, जो प्रेशर था हमारे जो हमने गैस में प्रेशर डाला उसके बाद में उसका क्या इफेक्ट पड़ा ऑन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन, तो वो उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है, बाकी की चीजें जो थी, जो हमारा के कॉन्स्टेंट था और जो एन था, वो उसकी वैल्यूज जो है डिपेंड करेंगी किस पे, उसकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी द वैल्यूज ऑफ एन एंड के जो है वो ऑप्टेन करी जा सकती है, कैन बी ऑप्टेन बाय द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखिए मैंने बात करी थी कि आइसोथर्म है, आइसोथर्म मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेगा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर रहेगा उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, मतलब हमें 20 डिग्री पे लेना है, 40 डिग्री पे लेना है, तो अलग अलग यहां तो कर रहे हैं ना, लेकिन 40 डिग्री को हमको मेंटेन करके रखना है ऑन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब वहां पे होगी तब। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। ठीक, इस पे ये सब वैल्यूज डिपेंड करेंगी, और जब ये वैल्यूज निकल जाएंगी तो हमें सारा का सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी एक हमारी फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ये तो उन्होंने क्या दिया, एक कर्वी लीनियर ग्राफ दिया एज पर दिस इक्वेशन, लेकिन एक इनकी इक्वेशन और थी, कर्वी लीनियर ग्राफ था। ठीक है, ये चीज हो गई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप बुक से थ्योरी वगैरह लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब ये जो हमारी जो इक्वेशन थी
x by m equals to क्या था k p to the power 1 by m. इसका जब हम log में इसको convert करते हैं, जब इसको हम log में convert करेंगे, ये मान लीजिए हमारी equation x है by converting this equation into logarithmic form. Logarithmic form क्या है? इसको हम log में convert कर देंगे. तो by taking log on both sides क्या हो जाएगा? log x by m equals to log k into p to the power 1 by n. तो हमने क्या पढ़ा था? देखो, log k इंटू यहां पे है, कुछ नहीं है तो इंटू होगा p 1 by n. ये ठीक, log x by m को log x by m ही रख दिया. ठीक है, दूसरी क्या है? जब log m इंटू n होता है, यानी कि जब log में कोई भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है m इंटू n होता है, तो क्या होता है? log m प्लस log n. ये बेसिक सी चीजें हैं, फॉर्मूला याद होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log m, तो सॉरी यहां पे log k हो जाएगा, log k प्लस log p टू द पावर 1 बाय n. अब क्या है? अब देखो, जब log n की पावर n होती है तो क्या होता है? log जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो n log m हो जाएगा. ठीक है, तो पावर क्या है? 1 बाय n, तो 1 बाय n सामने आ जाएगी, 1 बाय n और log p. ठीक है, पूरी हमारी इक्वेशन ये बन गई. उन्होंने दो इक्वेशन बताई थी, तो यहां भी दो इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के हिसाब से भी उन्होंने एक नया एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का कर्व वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई. क्या बताया? कि log x by m को एक तरफ रख दिया, log x by m को एक तरफ और log p को एक तरफ. ठीक, यहां पे क्या हुआ? यहां पे उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली. कौन सी स्ट्रेट लाइन मिली? स्ट्रेट लाइन. ठीक, स्ट्रेट लाइन में हमारा स्लोप जो थी वो थी 1 बाय n. ये स्लोप 1 बाय n है और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा k. तो दो तरीके के उन्होंने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाए फ्रेंड लिस्ट में. तो ये हमारे दो तरीके के फ्रेंड लिस्ट में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है. एक चीज और थी कि जो हमारे नॉन परमानेंट गैसेस जो होती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, ये जो है बहुत जल्दी से लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, जल्दी से लिक्विफाई हो जाएंगी. लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, इफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज इन बहुत ज्यादा हाई होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो इनकी एडजॉर्प्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा एंड ज्यादा हो जाएगा. एडजॉर्प्शन विल जल्दी हो जाएगा, एडजॉर्प्शन विल हैपन क्विकली. ठीक है, एज कंपेयर टू द परमानेंट गैसेस जो कि हमारी O2 होती है, N2 होती है, ठीक है, हाइड्रोजन होती है. तो इनके मुताबिक जो हम लोगों ने देखा इस पे कि बताया कि भैया नॉन परमानेंट गैसेस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NH3, जो लिक्विफाई ज्यादा जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा हम कर दें, ज्यादा हम कर दें, तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और देर तक रहे. ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेंडलेस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक, होप यू आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. मेन बेसिक सी अब हम बात करने वाले हैं लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, लैंगमुइर ने भी अपना एक इक्वेशन दी थी कि जिसमें हम पता लगाएंगे कि अलग अलग प्रेशर से गैसेस का एडजॉर्प्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है. ठीक, तो इसमें क्या है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में सॉलिड सरफेस है, तो लैंगमुइर ने बेसिकली चार से पांच एक अजम्पशंस बताए कि भाई ये हमारा अगर सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड सरफेस में फिक्स अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? सरफेस पे होता है. तो सरफेस पे
फिक्स अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स, ठीक। और इन्होंने बताया कि मेरा जो भैया प्रोसेस है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर लेयर तक ही काम करेगा, एक मॉलिक्यूलर लेयर तक ही मैं इसको बता रहा हूं। मतलब देखो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ये है ना कि मान लो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ पे भाई चार यहाँ पे साइड्स, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ये भी चली गई और ये भी चली गई, तो एक जो मॉलिक्यूलर लेयर थी वो भर गई। फिर क्या है, और प्रेशर देंगे और भरेगी, और भरेगी और भरेगी और भरेगी और भरेगी और भरेगी और भरेगी, ऐसे ऐसे करके भरती जाएगी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता रहेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई मेरा प्रोसेस जो है, मैं सिर्फ वन मॉलिक्यूलर थिक तक ही बात कर रहा हूँ, इस पे जिस पे वन मॉलिक्यूलर थिक लेयर तक ही बात करूंगा, आगे की बात मुझसे नहीं हो पाएगी, ठीक। तो वन मॉलिक्यूलर लेयर थिक पे इन्होंने बताया कि मेरी जो थ्योरी है वो वन मॉलिक्यूलर लेयर थिक पे बताएगी, ठीक। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड जो हमारा अजम्पशन था उन्होंने बताया कि देयर इज वन मोनो मॉलिक्यूलर थिक लेयर, ठीक। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, तीसरी चीज ये है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। अब ये क्या है कि भैया एड्सॉर्प्शन तो तभी होगा ना जब वहां पे खाली जगह मिलेंगी, खाली जगह है नहीं तो एड्सॉर्प्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कि एड्सॉर्प्शन साइट्स जो है वो फिक्स है, ठीक। अगर एड्सॉर्प्शन तभी होगा जब यहां पे खाली साइट्स होंगी, एड्सॉर्प्शन तब हो रहा था ना, कब हो रहा था, जब यहां पे खाली साइट्स थी, जब गैस मॉलिक्यूल प्रेशर के द्वारा जहां भर गए तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, ठीक, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिस तेजी से ये एड्सॉर्प्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अनऑक्यूपाइड साइट्स पे, कि भैया खाली जगह थी तो वहां पे लगे कि हम वहां पे बैठ गए, ठीक। चौथा प्रोसेस, चौथा अजम्पशन है कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, अब डिसॉर्प्शन क्या होता है, लियो भाई और बच गए, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स पर डिपेंड करेगा। अब डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, डी मतलब रिमूवल, एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन का रिमूवल होना मतलब एड्सॉर्प्शन का हट जाना, ठीक है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का बंद हो जाना। ऐसा कह सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल्स अपने प्रेशर को जब छोड़ देंगे तब क्या होगा, वापस जब चले जाएंगे, जब वापस जब चले जाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन, द रिमूवल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉलिड सर्फेस, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो चार चीजें उन्होंने बताई, पांचवी चीज ये कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो किसकी हेल्प की मदद से होगा, प्रेशर की वजह से, लेकिन डिसॉर्प्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों भैया, जब हम कोई चीज इसके ऊपर दबा रहे हैं, कोई चीज प्रेस कर रहे हैं, तभी तो जाके वो उस पर अटैच हो रही है, तो उस पर क्या हुआ, प्रेशर का, प्रेशर की मदद से वहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन जब वो निकलेगी बाहर वो तो अपने आप खुद पर तो खुद निकल जाएगी ना, तो क्या है, प्रेशर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, प्रेशर। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें चार पांच चीजें बहुत ध्यान रखनी है फॉर द दिस पर्टिकुलर लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा आपको एब्रिवेशन बता दे रहा हूँ कि फिक्स नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स को हमने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब वन मॉलिक्यूलर थिक लेयर है, वन मॉलिक्यूलर थिक लेयर है पूरा, ठीक, मात मान ली। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने मान लो आर टू ले लिया है, ठीक है, आर टू ले लिया, और अनऑक्यूपाइड साइट्स हमारी कौन कौन सी है, क्या हो जाएगी, वन माइनस थीटा, ठीक है, वन माइनस थीटा। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या है,
आर वन हमने ले लिया और इसको हमने ले लिया थीटा, ठीक, के के ठीक, ये ले लिया हमने। ये कुछ एब्रीवेशन हैं, इसको हम अभी डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे। चलो डेरिवेशन स्टार्ट करो। क्या बताया था मैंने कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अनऑक्यूपाइड साइड्स पे, ठीक, अनऑक्यूपाइड साइड्स पे। मान लो हमने आर वन ही ले लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, के वन माइनस थीटा और इनटू पी, क्योंकि प्रेशर की वजह से एडसॉर्प्शन हो रहा था। सेकेंड, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन R2 ले लिया, इसमें क्या था, K थीटा, किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, साइड्स ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड साइड्स पे, मतलब जो जगह भर गई है वो अपने आप निकल जाएगी। लेकिन जब ध्यान से दो कि हमने मान लो इस पोजीशन पे इसको छोड़ दिया, एडसॉर्प्शन भी हो रहा है डिसॉर्प्शन भी हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, R1 equals to R2 हो जाएगा, R1 equals to R2 हो जाएगा, R1 equals to R2। अब सामने सामने रख दिया जाए, तो मैं यहाँ पे इसको K1 K2 कर देते हैं, कांस्टेंट को K2 theta, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, K1 1 minus theta into P equals to K2 theta, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, पी को भी अंदर, क्या हो जाएगा, के वन, के वन पी माइनस के वन पी थीटा इज इक्वल टू के टू पी थीटा, थीटा थीटा एक तरफ कर लें, के वन पी इक्वल टू के टू थीटा प्लस के वन पी थीटा, ठीक है, के वन पी यहां पे हमने थीटा कॉमन ले लिया, K2 प्लस K1 P, ठीक है, K1 P। अब इसको यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, K1 P थीटा, जब यहां पे थीटा मैंने यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, ये K2 प्लस K1 P इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 P अपॉन K2 प्लस K1 P। अब जो डेरिवेशन में वो करा गया है कि यहां पे ऊपर नीचे K2 से डिवाइड करा दिया गया है, क्या क्या है, डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय बाय K2। कॉन्सेप्ट यही है कि भैया यहां पे K1 K2 था, अलग अलग लग रहा है, तो उसको हम बाद में जाकर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट का नाम दे देंगे, दैट्स व्हाई यहां पे K2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अभी नहीं समझ आ रहा, अभी मैं कराऊंगा तो देख लेना। थीटा इज इक्वल टू K1 बाय K2 हो जाएगा, K1 बाय K2 into P upon K2 by K2, कट के 1 हो जाएगा, 1 plus K1 by K2 P, ये एक equation बन गई, ठीक, अब equation बन गई। अब क्या है देखो, अब इसमें हम क्या माना इन लोगों ने कि थीटा को इन्होंने y upon y m और K1 upon K2 को b मान लिया है। derivation में थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई एम और के वन के टू को बी मान लिया। के वन के टू तो साफ साफ पता लग रहा है भैया, ये कांस्टेंट ही होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा क्या होगा, कांस्टेंट है। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी के वन के टू में, तो अब यहां पर लोगों ने कांस्टेंट का नाम दे दिया बी, ठीक। लेकिन अब क्या है, वाई क्या है और वाई एम क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा था, ये प्रोसेस हो रहा था, सॉलिड है यहां पर, सॉलिड में गैस के मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, तो वही है, तो y क्या है, इसके जो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है इसका वेट क्या है, वेट ऑफ गैस, और ये y n क्या है, ये वन मॉलिक्यूलर लेयर जब बन जाएगी, जब इसका एडसॉर्प्शन हो जाएगा, वन मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगी, तो इस सरफेस का जो वेट होगा, इस सरफेस का जो वेट होगा वो क्या है, वेट y n, ठीक। अल्टीमेटली इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो थीटा क्या बन जाएगा, y
वाई एम इक्वल्स टू बी पी अपॉन वन प्लस बी और पी। ठीक, आगे अब ये वाई एम है, यहां पे डिवाइड करना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई वाई वाई एम ऊपर है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई एम बी पी अपॉन वन प्लस बी और पी। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत आसान तरीके से समझाया है तो देखिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और है इसमें कि ये तो हमारा इक्वेशन तो आ गई, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन आ गई, लेकिन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं यहां मिटा के आगे से कर रहा हूं। क्या किया है, किया ये है कि इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया है और पी से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स मान लू, ठीक, इन्वर्टिंग इक्वेशन एक्स एंड मल्टीप्लाइंग बाय पी, किससे, पी से। ठीक है, क्या किया, वाई था उल्टा कर दिया तो वन बाय वाई हो जाएगा। ठीक, ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वन प्लस बी पी अपॉन वाई एम और बी और पी। ठीक है, वाई बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसका वाई का ही पार्ट है, जो एम है ये वाई का ही पार्ट है, अलग से नहीं है, इसको मास मत समझिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी भी कराना था तो भैया पी से मल्टीप्लाई भी करा दिए। ठीक, क्या बन गया, पी बाय वाई इक्वल्स टू पी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे पी प्लस बी पी का स्क्वायर अपॉन वाई एम और बी पी। थोड़ा सा इसको तोड़ ले, एक्सपैंड कर ले, पी ये दोनों में जुड़ जाएगा, वाई एम बी पी प्लस बी पी का होल स्क्वायर अपॉन वाई एम बी पी। पी से पी कट गया, पी से एक पी कट गया, बी से बी कट गया, अब क्या क्या बचा, पी बाय वी पी बाय वाई अपॉन वन प्लस वन अपॉन वाई एम बी प्लस पी और वाई एम। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा खेला है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से खेलिएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये है जो इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा, सिंपल सा ग्राफ है, पी बाय वाई को एक तरफ लेना है, पी बाय वाई को एक तरफ और पी को एक तरफ। ठीक है, और यहां पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट इज ऑल अबाउट द लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मल्टी मॉलिकुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मल्टी मॉलिकुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, नाम से पता लग रहा है मल्टी मॉलिकुलर। प्रोसेस क्या हो रहा था, प्रोसेस ये था, ये सॉलिड है और मॉलिक्यूल्स यहां पे अटैच हो रहे थे, फिक्स नंबर ऑफ साइड्स थी वहां पे, मॉलिक्यूल्स वहां पे अटैच हो रहे थे, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने क्या बताया, किसकी थ्योरी थी, लैंगमोर की, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वहां पे। ठीक है, लैंगमोर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था किसके लिए, ओनली फॉर वन मॉलिक्यूलर लाइन। ठीक, लेकिन अगर उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर लाइंस होती हैं तो किन्होंने, ब्रैननियर एमेट एंड टेलर ने एक इक्वेशन दी जिसको हम बीईटी इक्वेशन भी जानते हैं, इन्हीं के नाम से पढ़ी है बीईटी इक्वेशन। ठीक है, क्या है इक्वेशन में, p अपॉन y पी ओ माइनस पी इक्वल्स टू वन बाय वाई एम बी प्लस बी माइनस पी इंटू पी वाई एम बी पी जीरो पी ओ। ठीक है, जो भी है ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा, बीईटी इक्वेशन एक दो मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, और वैसे अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ठीक, बाकी सब चीजें वही हैं, बस एक नया टर्म है क्या, पी ओ, बाकी सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूँ।
कि पीओ क्या है, जब सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट मतलब कि जब इस मॉलिक्यूल को जब यहाँ पे जितने भी गैस के मॉलिक्यूल से जब हम अटैच हो जाएंगे, तो उसके बाद जो गैस का जो प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, उसको हमने किससे डिनोट किया, पीओ से, जिसका हम पास्कल से डिनोट करेंगे, किससे, पास्कल से, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका काम क्या है, बेसिकली काम कुछ नहीं है, सिर्फ वाई एम को डिटरमाइन करने के लिए। वाई एम क्या था, स्पेसिफिक वेट था ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद में जो वेट होगा उस वहां पे, उसको हम क्या डिटरमाइन करने के लिए मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे यूज किया गया। दूसरी चीज क्या, जो बी हमारा कॉन्स्टेंट था, जो बी हमारा कॉन्स्टेंट था वहां यहाँ पे दो होगा, दो मतलब इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा लेयर यहाँ पे फॉर्म होगी, और अगर ये वन रहता है तो सीधी सीधी बात है, हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत तीनों मैंने जो है बहुत आसानी से आपको समझाए हैं, होप यू लाइक इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल, यार मेहनत करी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बटन को, सो थैंक यू सो मच फॉर द चैनल, थैंक यू।